पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह से वो लापता थे, वो पोस्टर भी हमने आपको दिखवाया था जो बांस घाट के पास लोगों ने लगवाया था, लेकिन अब वो शत्रुघ्न सिन्हा बागी 2 रिलीज कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। बागी 2 तो आपने देख लिया, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी 2 रिलीज करेंगे। सही सुन रहे हैं आप, किस तरह से लगातार वो मोदी सरकार के खिलाफ ही हमलावर हैं, और अब तो राफेल को लेकर भी कल उन्होंने जमकर के हमला बोला है और सीधा सीधा कह दिया है कि हाँ मैं बागी हूँ। सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा है उन्होंने कार्यक्रम के दौरान, किस तरह से केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जानना जरूरी है, मैं कई जगह कह चुका हूँ, पब्लिक चर्चा कर चुकी है, पब्लिक दिखाई पड़ा, अगर हम नहीं करेंगे तो आपके पास वो आप शक को और बढ़ाते जा रहे हैं। रफाल डील सुन रहे हैं, इसको बोफर्स का ग्रैंड फादर बन चुका है। रफाल डील 500 का 1600 जिसको एक्सपीरियंस है हवाई जहाज बनाने का, उसको काट दो, अपने देश का है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और दूसरा है न्यू कवर, जिसको कोई अपनी ताकत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं है, जिसने एक हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको आप दे रहे हैं तो उठा दो पब्लिक को। और कहीं आपके आपके लोगों से गलती हो गई है तो क्षमा मान लो। आप हमारे ये बहानेबाजी करते हैं, किसी को मंत्री नहीं बनाया है तो यशवंत सिन्हा जी क्यों बोल रहे हैं, इतना बड़ा स्टेट्समैन आपकी तो ये बोल दो मंत्री नहीं बनाया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरुण शौरी क्यों बोल रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया इसलिए बोल रहे हैं। पाटिल मुरली मनोहर जोशी क्यों ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया इसलिए बोल रहे हैं। मोदी लगाते ना, और अडवाणी जी क्या हुआ उनका, अडवाणी जी के बारे में बोल दो क्या, इतने दुखी इतने विक्षिप्त हैं वो, क्या बोल दो कि हाँ उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, चाहे उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, चाहे उनको हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाया, ऐसा लाइन पे आ जाओ। जनता चुनी है तुमको, जनता जो है हम लोग को चुनकर लाती है, कभी कोई परमानेंट नहीं होता है। अपने को मजबूत करो, अपने को सुधारो, और सामने जो तुम्हें कह रहा है आदमी अच्छी नीयत से कह रहा है। जिस तरह से आपने सुना किस तरह शत्रुघ्न सिन्हा लगातार हमलावर हो रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा उठा पटक जरूर होगा। पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है जहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब यहां पर क्या होगा सियासी समीकरण, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है या शत्रुघ्न सिन्हा फिर कोई नया बोलते हैं या कुछ ट्वीट करते हैं, उस बोल से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।